हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम, वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे खनिज कुछ रह गए थे उसकी वीडियो है। फर्स्ट हमारा है गार्नेट, और गार्नेट में आपको यहाँ से वर्ड मिल रहा है नेट, और नेट क्या होता है? जाल। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि दो आदमी है जो किसी राजा के महल में उसको मारने का जाल बिछा रहे हैं। तो एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा है कि हम ऐसा करते हैं कि राजा को अंधेरे में बुलाते हैं और उसका खून कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ताकि तेरा कल्याण हो सके और तू राजा बन सके। तो जब शाम हुई तो बागा बागा आया, आजा अब तेरी बारी है राजा बनने की और तेरे सिर के ऊपर मुकुट पहनने की। तो इससे आपको याद क्या होता है, राजा को अंधेरे में बुलाना था, अंधेरा क्या होता है, तम, तम से बना तांबड़ा, उसका खून करना था, खून से क्या आ जाएगा, रक्त, खून होता है रक्तमणि, ये दोनों इसके अन्य नाम है। अब इसका उत्पादन कहां कहां पे होता है, ताकि तेरा कल्याण हो सके और तू राजा बन सके, ताकि से ताकि, ताकि से टोंक बना लेना, तो टोंक, टोंक का उत्पादन कहां कहां पे होता है, ताकि तेरा कल्याण हो सके से कल्याणपुर और तू राजा बन सके से राजमहल। नेक्स्ट है, शाम हुई बागा बागा आया, क्या बोला, आजा अब तेरी बारी है सिर के ऊपर मुकुट पहनने की। आजा से अजमेर, बारी से खरबारी, और सिर के ऊपर से सिर से सर सरवार, ये आपका टिक लग गया। नेक्स्ट है आपका मैंगनीज, मैंगनीज में राइलोमेलिन और ब्राउनाइट इसके अयस्क हैं, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड इसको संज्ञा दी गई है और ये नीचे इसकी उत्पादन है। कैसे याद करेंगे, मैंगनीज में आपको नीज मिल रहा है, और नीज को अगर आप उल्टा करो ना तो यहां से आपको जीन वर्ड मिल जाएगा, जीन, मैंगनीज में जीन आ जाएगा। तो इससे आपको स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक बूढ़ा आदमी है जो गांव से अपने बालक के लिए, अपने छोरे के लिए जीन लेने जाता है शहर में, और शहर में सारे के सारे शोरूम्स हैं, तो एक शोरूम में एंट्री करता है और बोलता है, मारे छोरे के लिए एक जीन दिखाइए। आइए सर, कौन सा कलर आपको पसंद है, कौन सा ब्रांड चाहिए आपको? वो तो आप मुझे राय दो ना, वो कैसा फैशन चलता है आजकल। जी आकाश, ब्राउन कलर की जीन लेके आना। जी ये देखिए, ब्राउन कलर की जीन है, जैक एंड जॉन्स की, बढ़िया क्वालिटी की। कितने की है ये? आपको पड़ेगी 2000 रुपीज की। थोड़ा महंगा है, ऐसा है ना, मेरा छोरा थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो ऐसा ना लगे ना कि भूरे कलर में ऐसा बांस खड़ा हो जैसे। ओके, तो आप बताइए आपको कौन सा कलर चाहिए? वो छोरे पहने हैं ना लाल और लीली सी जीन पहने हैं, वो दिखाइए। ओके, ये देखिए आप, ब्लू कलर की जीन है, ये कितने का है? ये भी सेम प्राइस है, 2000 आपको पड़ेगा इसका। ये भी महंगा ही है, थोड़ा कम हो जाए तो। अच्छा, तो उसके बाद उस जो शॉपकीपर है उसको पता लग गया था कि बात पैसे की है, तो उसको उसके ऊपर दया आ गई और वो बोला, सर अगर आपके पास नगद पैसे नहीं है देने को तो इससे आप उधार भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, तो फिर मैं यहीं पे आया करूंगा, यहीं से खरीदूंगा सब कुछ, धन्यवाद आपका। तो वो चला जाता है। तो इससे आपको याद क्या होता है, मैंगनीज में आपको जीन मिल गया, जीन की स्टोरी क्या थी, वो शोरूम में गया और उसने क्या मांगी, पहले तो राय मांगी कि आप बताओ कैसा पहनते हैं, कैसा फैशन चलता है, तो राय से क्या आ जाएगा, राइलोमेलिन।
किस कलर की थी? ब्राउन कलर की थी जीन पहले, तो ब्राउन से ब्राउनाइट, ये दोनों इसके अयस्त याद होंगे। कौन सा ब्रांड था? जैक्स एंड जॉन्स, जैक एंड जॉन्स था, तो जैक्स से जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड इसको संज्ञा दी गई, याद रहेगा। नेक्स्ट है बांसवाड़ा काला कुट्टी, तो उसने बोला था कि मेरा बेटा बांस जैसा ना लगे गोरे कलर में, तो बांस से बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में उत्पादन कहाँ कहाँ में होता है। उसके बाद उससे कलर पूछा तो उसने क्या बोला कि काली और लिली सी जीन पहने हैं छले, तो यहां से क्या आ जाएगा, काली से काला कुट्टा और लीली से लीला वाणी। नेक्स्ट है आपका उसको उसके ऊपर दया आई थी, दया कहां से मिल रहा है, उदयपुर में दया, दया आई थी, तो वो क्या बोला, नगद पैसे ना दे आप और उधार ले जाएं, तो नगद से क्या आ जाएगा, नेगड़, नेगड़ में आपको नगद वर्ड मिल जाएगा। और क्या बोला था, सर अगर आपके पास पैसे नहीं है, सर भी बोला था, तो सर से आ जाएगा सरूपा, ये इसका उत्पादन था, ये आपका टिक लग गया, सारी इसकी डिटेल आपको याद हो गई है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम, जिप्सम में आपको वर्ड मिल रहा है जिप, और जिप क्या होता है, चेन होती है ना जो, तो उसकी सेल लगी हुई थी एक मेले में, रात को सेल लगी थी और सभी वहां पे घूम रहे थे, और कुछ वहां पे शॉप के आगे खड़े होकर क्या खरीद रहे थे, जिप खरीद रहे थे। तो मैं भी वहां पे गया था और मुझे वहां पे एक जोधाबाई भी मिली, और जोधाबाई ने मुझे बताया कि मैंने एक मैजिक देखा। मैंने बोला कौन सा मैजिक देख लिया आपने, तो वो बोली एक आदमी ने तवे के ऊपर ओस को रखा और वो गायब हो गई। मैंने बोला ये कैसे गायब होगी, ये कौन सा मैजिक है, तो मैंने माइंड लगाया कि अगर तवा है तो उसके नीचे आग भी तो जल रही होगी ना, उससे वो गर्म हो गया होगा और जो ओस है वो पिघल गई होगी जल्दी से जल्दी, तो मैं तो उनके ऊपर नहीं हंसा, लेकिन मैंने उनको ये जरूर बताया कि अगर आप किसी और को बोलो ये चीज और वो आपके ऊपर हंसने लगे, ये आपकी बात ना माने, तो उनके साथ आप ज्यादा माथा मत मारना, अपने मुंह पर जिप लगा लेना, ठीक है। इससे आपको याद क्या होता है, जिप की सेल लगी थी, से सेल खड़ी इसका अन्य नाम है, सभी वहां पे खड़े होकर से खड़िया जिप खरीद रहे थे, और सेल कब लगी थी, नाइट को, रात को लगी थी, तो ये तीनों के तीनों नेम इसके जिप्सम के हैं। नेक्स्ट है जोधाबाई मिली थी से जोधपुर, उसने मुझे क्या बोला कि तवे के ऊपर ओस को रखा और वो गायब होगी, तो तवा, तवा से आ जाएगा तिवरी, जोधपुर में तिवरी में उत्पादन है, ओस को रखा था ओस से ओसिया, और मैंने क्या बोला आप किसी के साथ माथा मत मारना, माथा से क्या आ जाएगा मथानिया, ये तीनों के तीनों में उत्पादन किसका होता है, जिप्सम में, जिप्सम का। नेक्स्ट है आपका नागौर, इसमें क्या है, वही मेले वाली स्टोरी है, तो एक आदमी आया वहां पे बद्दा सा, एकदम भिखारी टाइप सा लग रहा था, उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया शॉप वाले ने कि ये क्या खरीदेगा, ये तो ऐसे ही भिखारी सा लग रहा है, लेकिन उसने सभी को सरप्राइज कर दिया। कैसे किया, उसने अपनी पोटली निकाल ली, सभी की सभी जिप्स को उसमें रखा, पैसे दिए और चला गया, इतना इतना अमीर था वो, तो सभी अचंभित हो गए कि इसके पास पैसे कहां से आ गए। तो यहां से आपको क्या याद होगा, गांठ लगा के चला गया वो, तो सभी अचंभित हो गए। क्या होगा कि एक बद्दा सा आदमी आया था, बद्दा से बद्रावासी, उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया, गौर से आपको नागौर आ जाएगा, नागौर में है बद्रावासी, यहां पे उत्पादन होता है। और लास्ट में क्या किया था, उसने पोटली रखी, सारी की सारी जिप्स उसमें रखी, तो पोटली को गांठ भी तो लगाएगा ना, गांठ लगा के चला गया, तो गांठ से क्या आ जाएगा, गोठ मागनोद, यहां पे इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आपका इसका उत्पादन जैसलमेर में रामगढ़। अब ये सारा जब मेला सब मैंने देख लिया, तो मैं जब घर गया, तो जैसे ही मैंने घर में एंट्री की, तो सबसे पहले मुझे पूछने आए कि क्या लेके आए हो मेले से, तो मैंने बोला कि मेले में था तो बहुत कुछ, सेल भी लगी थी, मगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, सेल लगी थी। तो सेल से आपको यहां से क्या मिल रहा है, जैसलमेर में सल मिल रहा है, सल से सेल मिल जाएगा आपको, और मगर मुझे पसंद नहीं है, मगर कैसे आएगा, इस अगर मैं और गए हूं, रह इसके पीछे ले जाओ, जैसे कि मग यहां पे, मोग, और इस रह को यहां पे ले जाओ, तो मगर मिल जाएगा, तो मगर से रामगढ़ आपको टिक लग जाएगा। ये उत्पादन थे आपके जिप्सम के। नेक्स्ट है आपका मार्बल,
मार्बल में आपको रंग के आधार पर कैसे कैसा मार्बल कहां पे पाया जाता है पहले तो वो याद करवाएंगे हम। सबसे पहले हमारा काला मार्बल, काले रंग का। काली हमारी क्या होती है? भैंस होती है। तो काला कहां से मिलेगा? काला मिलेगा भैंस लाना जयपुर से। नेक्स्ट है हमारा हरा, मिलता है उदयपुर से। तो हरे रंग का जो कैसे याद करोगे? उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी है। अगर वहां पे झीले ही झीले हैं तो पानी बहुत है, और पानी में क्या उगता है? घास ही तो उगता है, और घास का कलर कैसा होता है? हरा कलर होता है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? हरे रंग का कहां पे पाया जाता है? उदयपुर में। नेक्स्ट है आपका गुलाबी रंग का राजसमंद। राजसमंद में आपको मिलता है राजा, और राजा की क्या होती है? रानी होती है। और सभी ने कैरम बोर्ड खेला होगा, कैरम बोर्ड में जो रानी होती है, क्वीन होती है, उसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर होता है ना। तो राजा से रानी, रानी का कलर कौन सा? गुलाबी। तो गुलाबी रंग का राजसमंद में। नेक्स्ट है आपका लाल रंग का धौलपुर में। लाल एक प्रकार का कलर है और धौला एक प्रकार का कलर, यह सफेद होता है। तो दोनों कलर और कलर अटैच कर दो, लाल रंग का धौलपुर में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका पीले रंग का जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या होता है? जैसलमेर को सोनारगढ़ कहते हैं, सभी को पता है। सोने का कलर कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा येलो कलर का नहीं होता सोना, तो यहां से पीले कलर का आ जाएगा, तो पीला जैसलमेर में। नेक्स्ट है आपका दूधिया मकराना नागौर में। सबसे जो अच्छी क्वालिटी का जो मार्बल है वो आपको पता है व्हाइट कलर का होता है ना, और व्हाइट कलर का दूध होता है। तो यहां से आपको पता लग जाएगा सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा है? दूधिया। अब अगर हम किसी शॉप के ऊपर मार्बल खरीदने जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि हमें सबसे बढ़िया क्वालिटी का मार्बल दे? तब तो शॉपकीपर क्या बोलता है? हाँ जी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, ले जाओ। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है, वो उसके ऊपर दरारें सी आने लगती हैं, तो हम उसके पास जाते हैं तो वो अपनी बात से मुकर जाता है, मुकर जाता है ना कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है। तो यहां से क्या देगा? दूध कलर का एक तो सबसे श्रेष्ठ है, और जो शॉपकीपर है वो अपनी बात से मुकर जाता है। मुकर से क्या देगा? मकराना। मकराना नागौर में है और सबसे श्रेष्ठ भी यही है। नेक्स्ट है आपका सतरंगी पाली। ऐसा कौन सा जिला है जिसने सातों रंग के मार्बल को पाल के रखा हुआ है? पाल से क्या आ जाएगा? पाली आ जाएगा। तो सतरंगी क्या आ जाएगा? पाली में है। नेक्स्ट है बादामिया जोधपुर। जोधा भाई बादाम तो बहुत खाती है, लेकिन उनका माइंड बहुत कम चलता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? बादाम से क्या आ जाएगा? जोधा भाई से जोधपुर। और लास्ट इसकी जो मंडी है मार्बल की, कहां पे लगती है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके लिए मैंने एक लड़के को बोला मार्बल मांडा, तो वो बोला किस दे मारनी है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? मार्बल मांडा, मार्बल 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 से क्या आ जाएगा? मार्बल मतलब मार्बल की मंडी। वो क्या बोल रहा है? किस दे मतलब किसके मारनी है, किस दे से आपको याद आ जाएगा? किशनगढ़। तो मंडी इसकी लगती है किशनगढ़। ये आपकी जो खनिज रहते थी उसकी मैं आपके छोटी छोटी स्टोरी से आपको याद करवाया। आरएस लेवल के अकॉर्डिंग इसको मैंने पूरी डिटेल करवा दी आपको याद। आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।